हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ सिंघाड़ा की रेसिपी, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे सिंघाड़ा की चाट बनाया जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगता है फ्रेंड्स। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना कर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कि ये सिंघाड़ा का चाट कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंघाड़ा का चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने सिंघाड़ा ले लिए हैं, एक कच्चा है, पका हुआ नहीं है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे, तो ये मैं ली हूँ, आप देख सकते हैं। एक मोनियन है, इसको मैं चॉप कर लिया है। यहाँ धनिया की पत्ती है, इसको चॉप कर ली हूँ फ्रेंड्स। यहाँ काली मिर्च पाउडर है और यहाँ भुना हुआ जीरा पाउडर है फ्रेंड्स। यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून के करीब है। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून के करीब मैं चाट मसाला ली हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ मैं 1/2 नींबू ली हूँ, जिसका मैं जूस उसमें डालूँगी। और यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चाट बनाने के लिए पहले इसका हम छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सिंघाड़े को छीलना है, तो पहले इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको आराम से छील लेंगे फ्रेंड्स। और हाथ से ही ये अच्छे से छिल जाएगा। और देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से इसको मैंने छील लिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैं छील ली हूँ इसको। तो इसी तरह सारे सिंघाड़े को हम छील लेते हैं। यहाँ से इसको मैं कट कर लूँगी फ्रेंड्स। और इसको इसी तरह हम सारे सिंघाड़े को हाथ से ही छीलेंगे, बहुत अच्छे से इसी तरह छील जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसी तरह मैं सारे सिंघाड़े को छील लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ सिंघाड़े को मैंने अच्छे से छील लिया है। तो फ्रेंड्स, हम बनाने की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके पैन को रख दिया है फ्रेंड्स। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल को ऐड कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं 1 हरी मिर्च इसमें ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सिंघाड़े को ऐड कर देते हैं। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम भून लेते हैं साफ्ट होने तक। तो फ्रेंड्स, इसको हम कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। और इसको हम कवर करके इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको चेक कर लेते हैं। और बीच बीच में मैं इसको चेक भी कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पक गया है। और जब चेक करना हो तो इसको कांटे वाले चम्मच से, आप देख सकते हो फ्रेंड, पक गया, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए इसको हम चाट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम को बंद कर दी है और इसको हम सारे सिंघाड़े को बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे सिंघाड़े को बाहर निकाल लिया है, अब बना रहे हैं इसका चाट। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने
सिंघाड़े को ले लिया है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने चाट मसाला ले लिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ इसको हम ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ काली मिर्च है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ जीरा पाउडर है, इसको भी ऐड करते हैं, भुना हुआ जीरा है फ्रेंड्स। और यहाँ जो है लाल मिर्च पाउडर है और यहाँ ब्लैक साल्ट है, काला नमक फ्रेंड्स, इसको ऐड कर देते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स यहाँ मैं रखी हूँ एक प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है और ये धनिया की पत्ती है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें। और फ्रेंड्स इसका जो चाट है ना बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मेरा चाट तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा सिंघाड़ा का जो चाट है तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस बना है। और मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना कर खाइएगा सिंघाड़ा का चाट। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स अगले रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।